ये जितने भी भाजपा के नेता सत्ता में बैठे हैं, ना तो इनके आगे नाथ ना पीछे पगात। ये जो देश के ऊपर कर्जा हो रहा है, कल को आप सवाल किससे पूछोगे? जिस देश के अंदर जीएसटी जैसी स्कीम लाकर जनता के ऊपर मोटा मोटा टैक्स थोपा गया, जिस देश के अंदर जनता को 5 किलो सड़ा हुआ राशन दिया गया और इस देश की कंपनियों को बेचा गया, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया गया और उसके बाद भी इस देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, कैसे? मैं पूछना चाहता हूं कि ये देश का पैसा कहां जा रहा है, ये पैसे को कौन डुबा रहा है? और आए दिन प्रधानमंत्री विदेश से कर्जा लाए जा रहे हैं, विदेश से उधार लिए जा रहे हैं, इस उधार को चुकाएगा कौन? जरा ये तो बताइए। टीवी खोलकर देखोगे, हिंदू खतरे में, पाकिस्तान में हिंदू को रोटी नहीं, पाकिस्तान में हिंदू को मारा जा रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं के घर तोड़े जा रहे हैं, और वहां का टीवी खोल के देखोगे तो वहां के टीवी वाले चलाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है, हिंदुस्तान की स्थिति खराब। तो ये एक प्रोपोगंडा चलता है दोनों देशों के बीच में। ऐसे बनेगा भारत विश्वगुरु? जिस देश में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा हो, जिस देश के अंदर जब महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा हो और उस देश का प्रधानमंत्री विदेश के दौरे कर रहा हो, आप ऐसे देश को विश्वगुरु बताते हैं? जिस देश में नौजवान को रोजगार मांगने पर लाठी और डंडे से पीटा जाए, उसे आप विश्वगुरु बताते हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्ट सामने आई है, ये नरेंद्र मोदी जी की और भाजपा सरकार को जो आपको दिखाया जा रहा है कि मोदी विश्वगुरु बना रहा है, तो आपका यही विश्वगुरु का नतीजा है कि आपको मंदिर और मस्जिद में, हिंदू और मुसलमान में, हिंदुस्तान और जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद में आपको उलझाकर यही देश की स्थिति कर दी है। आपको एक बात बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर सत्ता की कुर्सी संभाली थी, यानी साल 2014 के अंदर, उस वक्त पे भारत देश के ऊपर जो है वो कर्जा था 54 लाख करोड़ रुपए का। आपको बता दूं, ये कर्जा 1947 से साल 2014 तक का था जो भारत के ऊपर था, 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सत्ता की कमान अपने हाथ में ली, यानी साल 2014 से लेकर साल 2022 तक, इस देश के ऊपर कर्जा कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने 155 लाख करोड़ रुपए का, यानी सीधा सीधा कर्जे में 181% का इजाफा नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। लेकिन जब उस रिपोर्ट को आज अपडेट किया गया, IMF ने रिपोर्ट दी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक भारत देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। जिस देश के अंदर जीएसटी जैसी स्कीम लाकर जनता के ऊपर मोटा मोटा टैक्स थोपा गया, जिस देश के अंदर जनता को 5 किलो हुआ राशन दिया गया और इस देश की कंपनियों को बेचा गया, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया गया और उसके बाद भी इस देश के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, कैसे? मैं पूछना चाहता हूं कि ये देश का पैसा कहां जा रहा है, ये पैसे को कौन डुबा रहा है? और आए दिन प्रधानमंत्री विदेश से कर्जा लाए जा रहे हैं, विदेश से उधार लिए जा रहे हैं, इस उधार को चुकाएगा कौन? जरा ये तो बताइए। ये जितने भी भाजपा के नेता सत्ता में बैठे हैं, ना तो इनके आगे नाथ ना पीछे पगात। ये जो देश के ऊपर कर्जा हो रहा है, कल को आप सवाल किससे पूछोगे? है आपके पास इस सवाल का जवाब? अब आप पूछेंगे कि भैया, ये जो कर्जा है आपकी कैसे बढ़ रहा है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये कर्जा कैसे बढ़ रहा है। इस कर्जे के बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि पहले एक पोस्टर पर चर्चा होती थी, वो पोस्टर था ये था वो पोस्टर कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस पोस्टर के दम पर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। लेकिन आज देश की बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया, गोदी मीडिया इस पोस्टर पर चर्चा नहीं करती। चर्चा का मीडिया का माध्यम है हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, और इन हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद ने इस देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया। यह मैं आपको बता दूं, आज अगर देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है तो उसके पीछे का कारण यही है, जो कि नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, नौजवानों के स्कूल बंद करके उनको अशिक्षित करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर 2014 से पहले सिलेंडर का दाम 400 रुपए हुआ करता था, उसका दाम आपने 1200 पहुंचाया। जो पेट्रोल आपको 60 से 70 मिलता था, उस पेट्रोल का दाम आपने 100 पार पहुंचाया। लेकिन उसके बाद भी देश के ऊपर इतना बड़ा कर्जा, कौन है इसका जिम्मेदारी? सवालों का जवाब देना नरेंद्र मोदी सरकार। आज कर्जा तो कर्जा, भारत देश भुखमरी के मामले में, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में, आपको बता दूं कि भारत का स्थान 111वें पायदान पर आ गया, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं है। टीवी खोलकर देखोगे, हिंदू खतरे में, पाकिस्तान में हिंदू को रोटी नहीं, पाकिस्तान में हिंदू को मारा जा रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं के घर तोड़े जा रहे हैं, और वहां का टीवी खोल के देखोगे तो वहां के टीवी वाले चलाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है, हिंदुस्तान की स्थिति खराब। तो ये एक प्रोपोगंडा चलता है दोनों देशों के बीच में, जिस प्रोपोगंडे में इस देश की मीडिया को झुलसाया जाता है। और जो लोग कहते हैं ना
मोदी का विश्व में डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। अरे भैया कोई डंका नहीं बज रहा, वो डंका नहीं ढोल पिटवा रहा है हमारे देश का। अगर मोदी का विश्व में डंका बज रहा होता तो हर दसवें दिन में कहीं ना कहीं हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। अभी दो दिन पहले हमारे देश के जवान शहीद हुए। जवान की शहादत पर इस देश में कोई चर्चा नहीं। और आप कहते हैं विश्वगुरु, ऐसे बनेगा भारत विश्वगुरु? जिस देश में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा हो, जिस देश के अंदर जब महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा हो और उस देश का प्रधानमंत्री विदेश के दौरे कर रहा हो, आप ऐसे देश को विश्वगुरु बताते हैं? जिस देश में नौजवान को रोजगार मांगने पर लाठियों डंडे से पीटा जाए उसे आप विश्वगुरु बताते हैं? जिस देश के अंदर पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर सांसदों के सवाल पर अंकुश लगा दिया जाए, आप उस देश को विश्वगुरु बताते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट को अपनी भाजपा का कार्यालय समझ लिया है, इसीलिए सारे सांसदों को बाहर खड़ा करवा दिया और खुद अकेले मोदी की वाहवाही करने वाले सारे अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन इस देश के लोग धर्म की ऐसी अफीम चाट कर बैठे हैं जो इनके सर्वनाश का कारण बनेगी। और आप क्या हिंदू और मुसलमान करते हो? पढ़ाया आपने कभी इतिहास? अगर कभी आपने व्हाट्सएप का ज्ञान छोड़कर इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा होता तब आपको पता चलता कि जितना योगदान इस देश की आज़ादी में हिंदुओं का, सिखों का और ईसाइयों का है, उतना ही योगदान मुसलमानों का भी है। और अगर इसका देखना है आपको तो जाकर देख लीजिए इंडिया गेट पर और पढ़ लीजिए वहाँ कितने सारे मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना बलिदान दे दिया, ठीक है। और अगर आपको और पढ़ना है तो देखिए मीर उस्मान अली के बारे में, जिन्होंने जब ये देश लड़ाई लड़ रहा था, हमारे पास पैसा नहीं था, तब इस देश को 5 टन सोना देने का काम मीर उस्मान अली ने किया। और आप बात करते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया है? जब इस देश के अंदर जलियांवाला बाग हुआ तब जनरल डायर ने गोली चलवाई तो उससे पूछा गया कि आपने गोली क्यों चलाई, तो वो कहता है कि जो मुसलमान हैं वो आज़ादी की जंग से भाग रहे थे जिस कारण हमने गोली चलवाई। 14 दिन पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों का पोस्टमार्टम हुआ। एक पठान के बेटे ने मीर वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने आगे आकर कहा कि अगर एक भी मुसलमान की पीठ पर गोली मिल गई तो मुसलमान आज़ादी की जंग से बाहर हो जाएंगे। आपको बता दूं कि 76 पठानों का पोस्टमार्टम हुआ लेकिन सबकी छाती पर गोलियां पाई गई, एक की भी पीठ पर गोली नहीं पाई गई। और आप आज के दौर में इस मुसलमान को गद्दार बताते हो? एक बात बोलूंगा, कड़वी जरूर लगेगी लेकिन सच है, इस देश को बर्बाद करने के लिए कोई पाकिस्तान और कोई चाइना की जरूरत नहीं है और ना ही अब दोबारा अंग्रेजों की जरूरत है, क्योंकि इस देश के अंदर अंग्रेजों की राह पर चलने वाले कुछ अंग्रेज सत्ता में बैठ चुके हैं जिन्होंने अंग्रेजों की एक ही पॉलिसी को अपनाया, फूट डालो शासन करो। जिस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे देश के ऊपर जो है वो हमारे को गुलाम बना के चले गए, हमारे देश पे कब्जा करके चले गए, कैसे? सिर्फ एक ही नीति से, फूट डालो शासन करो, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ। वही काम बीजेपी कर रही है लेकिन लोग आंख के अंधे हो चुके हैं, कान के बहरे हो चुके हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता और यही कारण बनेगा जो हमारी देश की बर्बादी का बनेगा। आज हमें मारने के लिए किसी की जरूरत नहीं, कोई हथियार की जरूरत नहीं, सरकार हम ही लोगों को आपस में लड़ा रही है मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। देश का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। एक आदमी जो भूख से मर रहा था आज ठंड से भी मर रहा है क्योंकि उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। सरकार जो है वो किसी को घर देने का काम तो नहीं करती लेकिन लोगों के घर पर बुलडोजर चलवाने का काम जरूर करती है। बन रहा है ना और जनता खुश है, राशन में भी खुश है। वो राशन कैसा राशन? राशन में वो देते हैं जो मुर्गी के चावल होते हैं, जो दाना जो मुर्गी को डाला जाता है वो दाना ही नंद भक्तों को डाला जा रहा है। सड़ा हुआ गेहूं अगर 5 किलो गेहूं ले लो, छान दो तो 1 किलो उसमें गंदगी निकल जाए। वो राशन भी आपको लाकर दिखा दूंगा। उस राशन पर इस देश की जनता वोट दे रही है मोदी सरकार को। और पहले चीनी मिला करती थी राशन में, मिट्टी का तेल मिला करता था, आज तो सब बंद कर दिया। गेहूं तो पहले भी मिलता था, चावल भी मिलता था, साथ में चीनी भी मिलती थी और मिट्टी का तेल भी मिलता था। मोदी सरकार ने देकर कोई एहसान नहीं करा है। और आज जो वादे मोदी सरकार ने किए, आपने लाइट भी आ रही है, तमाम सुविधाएं मिल रही है, राम मंदिर बनने को तैयार है, उद्घाटन होने को। देखिए आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी देश की जनता के, वो 125 करोड़ जनता के वो महबूब हैं जो शादी से पहले तो 1000 वादे करते हैं लेकिन शादी के बाद एक भी वादा नहीं निभाते, जिसका प्रूफ नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल लाइफ से भी जुड़ता है, ठीक है। आपको बता दूं इन्होंने बहुत वादे किए सत्ता में आने से पहले, 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा। अब ये वादे कहीं नजर नहीं आते क्योंकि वादे सारे झूठे थे। और जनता इतनी बेवकूफ है, अभी राजस्थान में कहा 400 का सिलेंडर देंगे, अब मना कर दिया नहीं देंगे। पर मोदी की गारंटी के सामने पूरा देश नतमस्तक होता है। मोहित शर्मा, आप होती होंगी नतमस्तक, आप दलाली खाती है तो हम क्या करें? आप अपनी दलाली के लिए हमारे को क्यों अपना जिम्मेदार ठहरा रही है? आपका काम है मोदी की गुलामी करने का तो करिए गुलामी, अपनी गुलामी। अरे क्यों करेंगे गुलामी? सुन लीजिए, आजाद भारत के आजाद नागरिक है, बाबा साहब के संविधान के गुलाम है और किसी के गुलाम नहीं है। ये नेता हमारे नौकर है, हम राजा है, ये हमारे सेवक है। आपके होंगे नरेंद्र मोदी जी, आप होंगे उनके गुलाम, ना हम मोदी के गुलाम ना हम किसी के गुलाम। गुलाम है
हैं तो संविधान के, डरते हैं तो संविधान से, और किसी से नहीं डरते, ना इनकी जेलों से डरते। इनकी जेल में इतना दम नहीं है कि हम जैसे लोगों का मुंह बंद रख सकें। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मानने वाले हैं, जरूरत पड़ी तो देश के लिए फांसी का फंदा भी चूमेंगे, लेकिन किसी के आगे नतमस्तक नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। 400 करोड़ का रूबिया लियाकत अपना मकान बना रही है, आपको उसमें भी तकलीफ है? अरे क्यों नहीं होगी तकलीफ, जो कल तक अपनी कैब बुक कर करके आते थे, आज 400 करोड़ का मकान बना रहे हैं, लेकिन कोई ईडी कोई सीबीआई की रेड इनके घर पर नहीं पड़ेगी। इसलिए नहीं पड़ेगी, भाजपा की दलाली करते हैं, भाजपा की दलाली में रहो, आपको तो राज्यसभा तक भेजेंगे, लेकिन अगर उनका विरोध करोगे तो भैया आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन हम एक बात कहते हैं कि जन्म तो बहुत बच्चे लेते हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ उनकी होती है जिनकी मृत्यु के समय पर हजारों लाखों करोड़ों लोगों का जनसैलाब होता है। इस देश के अंदर जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया, जिस दिन भगत सिंह ने जन्म लिया, उस दिन कई लाख बच्चों ने भी जन्म लिया, लेकिन चर्चा आज भी राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की होती है। याद रखिएगा, चर्चा गॉडसे या सावरकर की नहीं होती, वो तो आज भी कि हम स्वतंत्रता सेनानी थे उस बात के प्रमाण देते हैं, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी था उसको पूरा देश जानता है। और ये शहीदी दिवस के दिन चल रहे हैं, आपको एक बात बता दूं कि जितना योगदान इस देश के अंदर सिखों का है ना, शायद ही किसी का हो, ये लोग क्या करेंगे उनकी बराबरी? जो लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, ये उन्हीं को खालिस्तानी ठहराने का काम करते हैं, लेकिन वो खालिस्तानी आतंकवादी या पाकिस्तान नहीं, वो इस देश के सच्चे सेवक हैं, और जो मां भारती का फर्ज बॉर्डर पर खड़े होकर भी निभाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।